दोस्तों आपके सवाल विजन चार्ट में जो लेटर्स हैं उनके साइज से जुड़ा हुआ बहुत बार रहता है, और उसमें जैसे आप जानते हैं कि विजन में अलग अलग साइड में अलग अलग तरीके के डिजाइन या पैटर्न या लैंग्वेज होती है, और उसमें उनका लेटर्स का साइज क्या रहता है ये आपको जानना होता है। और ये उन लोगों की क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा होती है जो लोग जॉब के लिए मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वो लोग उसको पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, या उसमें कितनी डिस्टेंस रहनी चाहिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो समस्या है इसे आप अपने घर पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इसका लेटर का साइज़ क्या होता है, जैसे हम उसे पेपर पर बना लें या फिर कंप्यूटर में बना के उसको घर में लटका लें। तो ये सब झंझटों से आपको दूर रहना है, आपको सीधा ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन चाहे आपको किसी भी साइट पर जाइए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, और उस पर जाकर आपको इसको सर्च करना है जो विजन चार्ट होता है। विजन चार्ट 150 से 200 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। आप जो सा पैटर्न का खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं, चाहे डिजाइन में या फिर अल्फाबेट में या कुछ और। बेसिकली लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि क्या हम सारे जो पैटर्न्स होते हैं उनसे तैयारी करें, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एक विजन चार्ट को, एक पैटर्न को लास्ट तक पढ़ लेते हैं तो आप सारे पैटर्न्स को आराम से पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक को पढ़ ले रहे हैं तो आपको दूसरे की भी तैयारी करनी है कि दूसरी साइड से हम उसको पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसको पढ़ने की जो दूरी होती है वो 6 मीटर बराबर यानी 20 फीट के आसपास होती है। तो आप कहीं पर भी इसको, चाहे बाहर की सनलाइट में आप इसको लटकाकर, जो नॉर्मल हमारी बाहर की रोशनी होती है उसमें लटकाकर भी आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर अगर बाहर जगह नहीं है तो आप अपने घर में 20 फीट का डिस्टेंस बनाकर तैयारी कर सकते हैं। 20 फीट अगर आपका रूम छोटा है या घर छोटा है तो उसमें आप किसी भी रूम में इस चार्ट को लटकाएंगे और 10 फीट की दूरी पर एक शीशा हैंग करेंगे। ठीक है, 10 फीट की दूरी पर मान लीजिए मैंने सामने चार्ट लगाया और पीछे मेरे वॉल है, मैंने वहां शीशा लगाया, तो ये जो 10 फीट की दूरी हुई यहां पर, यानी सामने मेरे चार्ट है और पीछे मेरे शीशा है, तो ये 10 फीट की दूरी को मैंने यहां पर जोड़ा। जब मैं मुड़कर पीछे शीशे में देखूंगा तो मुझे जो चार्ट दिखाई देगा वो 20 फीट पर दिखाई देगा। ठीक, तो ये तरीका होता है। यहाँ ये तरीका अक्सर क्लिनिक्स में भी यूज किया जाता है, जहां पर कम डिस्टेंस होती है तो वहां पर मिरर में देख कर ही उस डिस्टेंस को 20 फीट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस चार्ट को आराम से घर में रखकर तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी आपकी कि हम क्या करें, कहां से इस चार्ट को खरीदें या फिर अवेलेबल करें, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो वेल, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।